नागिन 6 के ट्रैक में एक नहीं बल्कि दिखेंगे दो ना। जी हाँ, नागिन 6 में जब से नीले सर्प की झलक मेकर्स ने दिखाई तभी से अलग अलग कयासबाजी खूब देखी जा रही है। जहाँ फैंस के बीच में चर्चा है कि ये नाग कोई और नहीं बल्कि रघु होगा, तो वहीं हाल ही में शेषनाग का रोल निभा चुके एक्टर तुषार खन्ना के सेट से नाग के रूप में ये तस्वीर भी सामने आई थी। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट तो ये सामने आई है कि शो में एक नहीं बल्कि दो नाग नजर आ सकते हैं। एक होंगे शेषनाग के रूप में तुषार खन्ना, तो दूसरे नाग होंगे एक्टर गुलतेशम। जी हाँ, खुद गुलतेशम ने ही इस बात का खुलासा किया है कि वो शो के अपकमिंग ट्रैक में नाग के रूप में नजर आएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले ट्रैक में कैसे धमाल मचेगा, इस बात का खुलासा भी एक्टर गुलतेशम ने किया है। ई टाइम से खास बातचीत में गुलतेशम ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें शो के अपकमिंग ट्रैक में मेकर्स नाग के रूप में प्रेजेंट करेंगे, जो शेष नागिन को सपोर्ट करने के लिए एंट्री करेगा। गुलतेशम कहते हैं कि मैं एक ही समय में नर्वस और एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस तरह का किरदार नहीं निभाया है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हर नए किरदार के साथ मेकर्स रेटिंग के बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। इसीलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और दृढ़ विश्वास के साथ भूमिका निभाऊंगा। मैं नागिन 6 के कलाकारों के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूँ। बता दें कि गुलतेशम का शो में पॉजिटिव किरदार होगा, जो कि शेष नागिन की मदद के लिए ही एंट्री करने वाला है। इस वक्त शेष नागिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है उन नागमणियों को हासिल करना, जो अब दुश्मनों के हाथ लग चुकी है, जिसे दुश्मन नागिनों ने किसी और के हवाले कर दिया है और अब इन मणियों की नीलामी होने वाली। ऐसे में शो के आने वाले ट्रैक में जहां तुषार खन्ना अपने महाशेष नाग के अवतार में दिखाई देंगे, तो वहीं गुलतेशम का किरदार दमदार नाग के रूप में दिखेगा और इस तरह से होगा शो में महाधमाल, क्योंकि दुश्मन नागिनों के सामने शेष नागिन और उसके साथ दो नाग जो होंगे। मतलब तुषार खन्ना से तो पहले ही जनता अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन बात करें गुलतेशम की तो गुलतेशम ने कुमकुम भाग्य, जीत गई तो पिया मोरे, सूर्य और अनोखी की कहानी, काशीबाई बाजीराव भल्लाल और मैडम सर जैसे शोज में दमदार भूमिका निभाई है। अब तक ज्यादातर शोज में गुलतेशम ने नेगेटिव रोल ही प्ले किया है। हालांकि नागिन 6 में नाग के रोल से गुलतेशम कैसे जनता के दिल को छू पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और इसी के साथ ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि क्या अपकमिंग एपिसोड में वाकई रघु को लेकर कोई बड़ा खुलासा होता भी है या फिर नहीं।